थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पीपली से थर्ड गेट तक सड़क निर्माण कार्य में आगामी 10 दिनों में तेजी के साथ काम किया जाएगा और इसके परिणाम आम जन को नजर आने शुरू हो जाएंगे। इस निर्माण कार्य को तेजी से के साथ पूरा करने के लिए पंचकुला की इंद्रपाल एजेंसी ने एक साथ 5 टीमों को जिम्मेवारी सौंपी है। इस सड़क को शहर की सबसे सुंदर सड़क बनाने के प्रयास एजेंसी द्वारा किए जाएंगे। विधायक सुभाष उदास देर शाम मोहन नगर फ्लाईओवर पर मास्टिक निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत लोगों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने नारियल फोड़कर विधिवत रूप से मास्टिक निर्माण कार्य का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि इस सड़क निर्माण कार्य को तेजी के साथ पूरा करवाया जाएगा। हालांकि पिछली एजेंसी ने सड़क निर्माण कार्य को रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी डाली है। इस याचिका के अनुसार पिछली एजेंसी द्वारा किए गए कार्य की मेजरमेंट को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। इन तकनीकी दिक्कतों को लोक निर्माण विभाग की तरफ से दूर किया जाएगा। इस कार्य को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और न ही अदालत की तरफ से ऐसा कोई फैसला है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पिछली एजेंसी के तमाम इश्यों का जवाब सरकार की तरफ से दे दिया गया था। इन प्रयासों के बाद ही नए टेंडर जारी किए गए और नई एजेंसी इंद्रपाल को कार्य करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब यह एजेंसी तेजी के साथ सड़क का निर्माण कार्य पूरा करेगी। इस एजेंसी ने फ्लाईओवर पर लोगों की सुविधा के लिए पिछले मास्टिक कार्य को डिसमेंटल करने का कार्य शुरू कर दिया है और शीघ्र ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरवासियों की सुविधा के लिए इस सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए शहर के लोगों का सहयोग भी चाहिए। सभी के सहयोग से इस सड़क को सबसे सुंदर सड़क बनाया जाएगा। इसे लेकर चंडीगढ़ का कार्य बहुत रूप से रुका हुआ था, लेकिन मैं एक बात कही थी मैंने बार बार कि जो पुराना ठेकेदार था बार बार कोर्ट में जा रहा था, अभी भी कोर्ट में गया, आर्बिट्रेशन फिक्स हुआ, उसके बाद भी नहीं आया। लगभग 7 बार उसको बुलाया गया, नहीं आया। फिर उसने उसके बाद भी कटम डाल दी, कटम में भी हमने उसका जवाब दिया, अपने हिसाब से बैठ कर सारी बात बताई। उसके बाद भी जब हमने उसका टेंडर लगवाया तो भी उसके बाद भी कोर्ट में टेंडर का स्टे लेने गया, लेकिन देखिए वातावरण के तहत ना तो वो काम कर रहा था, ना ही सड़क को, ना उसकी क्वालिटी अच्छी थी, ना काम कर रहा था। हमने कहा टर्मिनेट करें, टर्मिनेट भी करा था। तो आज इसका मैं सौभाग्य कहूँगा, इसका हमने कितने दिनों पूरा कोर्ट हाई कोर्ट अपना आदमी हाई कोर्ट के अंदर हमने अपनी बात को रखा। मैं उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ जो कि डबल बेंच ने सारा इसका इसमें फाइल कर दिया, उसमें केस इसका। तो आज उस सड़क का टेंडर हुआ था, टेंडर के तहत फिर शुक्रवार को एक आदमी रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरे इनम का जो मैंने वर्क किया हुआ है उसमें मेरी उसके अंदर मैं मेरी प्रेजेंट के अंदर उसका सारा बिल बना रही, उसके सारे बिल बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं कहूँगा तो पुल के ऊपर हमारा जो काम है आज शुरू कर दिए गए और ये स्पीडली काम करेगा। कम से कम ये जो ठेकेदार है 5 पार्टियाँ लेके आए, ब्रिज का काम लग करेगी, उसके साथ साथ जो साइड में ब्रोकर है उसका काम लगेगा, डिवाइडर का काम लगेगा, रोड्स का काम लगेगा। जो मैंने कहा था आपसे कि 10 दिन के अंदर आपको पूरे कामों की स्पीड मिल जाएगी, उसी स्पीड के साथ हम उसको काम कर रहे हैं। और जो मेरा जनता को परेशानी हुई उसके लिए हम लोग बार बार यही कहेंगे कि ये ठेकेदारों के काम को परेशानी हुई थी, अब ऐसी परेशानी नहीं हुई।